नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। हसीनापुर से पैदल चलकर रात में आए 40 मजदूरों को चिनोर वासियों ने भगाया। ककरधा नहर पुलिया पर काटी रात। मगरोनी के रहने वाले 40 मजदूर हसीनापुर से पैदल चलकर 3 दिन में रात को चिनोर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने मजदूरों को रात में ही भगाया दिया। ककरधा नहर पुलिया पर काटी रात। रास्ते में शासन प्रशासन ने नई की कोई मदद। 2 दिन से भूखे सुबह पता लगते ही पत्रकार ज्ञान सिंह मौर्य मौके पर पहुंचकर खाना पीना करवाया गया और प्रबंध खाना खाने के करवाए गए। मजदूर अपने गांव के लिए रवाना हुए और 2 दिन बाद मंगरोनी पहुंचेंगे। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। हम तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और हम अपनी नौकरी से चले जाएंगे। फिर हम गए बैठ के थाने में। फिर बैठ बारे थाने बारे दरोगा जहाँ बोलेगा तुम सेक्रेटरी सरपंच की तुम बोले आओ लिखी और हम तुम्हारा को बना देंगे परमिशन। तो फिर हम दोबारा फिर गए बानो तो फिर बने क्लियर मने करता ही। फिर बहुत माने थे हम 8 दिन के बैठे। 8 दिन से हम भूखन प्यासन मर मर के तब जाके हम पैदल डिगरे। अब कहाँ जा रहे हो? अब हम जैसे 3 दिन हम पैदल डिगड़ा डिगड़ा हो गए। अब 3 दिन के अंदर हम अपने गांव जा रहे हैं मंगरोनी। मंगरोनी जा रहा है। अब हमें हमें 3 घर में हमें रात हो गई। 12-1 बज गए रात के। तो हम बोले गए चलो अपनी समाज जाएंगे गाँव। तो गाँव वाले ने भैया फोन कर दो सो भैया हम फिर रोटी कोरा भूखे प्यासे हम उठ गए। हम भैया अपने पैदल तो आपको मतलब व्यवस्था नहीं है छोड़ने की? हमें अब कोई ना ना तो कोई ना हमें व्यवस्था नहीं करी। चलो ठीक है। जैसे हम भूख। क्या नाम है आपका? सुकवती। कहाँ से आ रहे हो? अतनापुर से। कब के आए? 3 दिन हो गया हमें पैदल। हाँ जी, भूखे प्यासे चलते आ रहा है। कोई ना सुन रहा ना कछु कर रहा। बाके अतनापुर के थाने पर गए तो बिन ने कही परमिशन ले कर आओ। तो हम परमिशन ले भी गए सरपंच सेक्रेटरी से। तो उनने कहा कि आपके लिए कोई परमिशन नहीं है जी। तो फिर तो आप कितने लोग हैं? 18-19 हम भूखे प्यासे चलते आ रहे हैं जहाँ पे रुके। तो उनने कहा कि चलो चलो जहाँ से निकलो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमें टाइम हो गया था तो हम वहाँ पर रुके तो हमें वहाँ से भगा दिया जी।